इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और मॉड में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, और आर एच एस कॉन्स्टेंट नहीं है. आर एच एस कॉन्स्टेंट होता तो हम सीधे प्लस माइनस टू या प्लस माइनस थ्री विच एवर इज द कॉन्स्टेंट इज ऐसे कर लेते. आर एच एस भी एक वेरिएबल है, तो वी हैव टू डिफाइन द मॉडुलस. तो क्वाड्रेटिक हमने पढ़ी लिया है, तो क्वाड्रेटिक से यदि हम इसका ग्राफ चेक करें, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, सो इसके जो रूट्स हैं इसके फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री. So, graph will be like this. So, we can observe minus 2 से 3 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है. थ्री के आगे भी पॉजिटिव है और माइनस टू के पहले भी पॉजिटिव है. तो मॉड को डिफाइन करने के लिए हम दो केस ले लेते हैं. केस वन, When x belongs to minus 2 to 3, इक्विटी कहीं भी लगा देंगे. And case 2, when x belongs to all real number except minus 2 to 3. तो इस वाले मॉड में चूंकि ये y को x square minus x minus 6 नेगेटिव है, तो मॉड को माइनस से ओपन करेंगे. इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, राइट. सो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वी हैव जीरो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू. और प्लस माइनस टू हम चेक कर रहे हैं तो दोनों ही वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही हैं. तो इस केस में तो दो वैल्यू आ गई, माइनस टू एंड टू, राइट. इस केस में मॉड को प्लस से ओपन करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, राइट. वी कैन फैक्टराइज इट वेरी इजीली, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज फोर एंड माइनस टू, राइट. तो इसमें क्या आ गया, फोर. सो कंबाइनली वी हैव थ्री सॉल्यूशंस, माइनस टू टू एंड फोर. तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, दैट मींस डी इज द करेक्ट ऑप्शन.